स्टार्ट। उनके बड़ बोलेपन को दुनिया बहुत अच्छी तरह से समझती है, इसलिए इस साल की शुरुआत में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के विकास में भूमिका के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया था, तो उसे किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया था। तब उन्होंने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री बार बार यह कहते रहे कि उन्होंने अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनवाई है, एक युद्धग्रस्त देश का विकास भला लाइब्रेरी से कैसे होगा। इस बयान के बाद कुछ शोधार्थियों ने जब भारत द्वारा अफगानिस्तान में चलाई जा रही लगभग 600 परियोजनाओं को खंगाला, तो उनमें उन्हें एक लाइब्रेरी के अलावा सब कुछ मिल गया। लेकिन अब जब यह साल खत्म हो रहा है तो खुद अमेरिका अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की सराहना कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की उप सचिव और अफगानिस्तान मामलों के प्रभारी नैन्सी जैक्सन ने अफगानिस्तान में भारत के निवेश और खासकर सामाजिक ढांचे को लेकर किए गए उसके काम की तारीफ की है। जिस मौके पर भारत की यह तारीफ हुई, उसी मौके पर यह भी बताया गया कि भारत अफगानिस्तान में 400 परियोजनाओं को पूरा कर चुका है और 150 से अधिक परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। संख्या से ही स्पष्ट है कि इन परियोजनाओं की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन इस समय इनमें से कुछ का जिक्र काफ़ी ज़रूरी है, जैसे काबुल में उस संसद भवन का निर्माण जिसमें वहां के प्रतिनिधि संस्था लोया जिरगा की बैठक होती है। दुनिया यही मानती है कि अफगानिस्तान को लोकतांत्रिक बनाए रखकर ही उसे अस्थायित्व दिया जा सकता है। खुद अमेरिका जिस लोकतंत्र को अस्थायित्व देने के लिए वहां दिन रात एक कर रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने ही तैयार किया है। भारत ने वहां कई बांध बनाए हैं। काबुल समेत कई शहरों में पेयजल परियोजनाएं शुरू की हैं। अखबार और टेलीविज़न नेटवर्क के लिए कई तरह की मदद की है। परिवहन सेवा के लिए सैकड़ों बसें दी हैं। काबुल में बच्चों के लिए एक बड़ा अस्पताल खोला है। कई स्कूल बनवाए हैं और नलकूप खुदवाए हैं। इन सारी परियोजनाओं की खासियत यह है कि ये सीधे अफगानिस्तान की जनता के विकास से जुड़ी है, जिसे खुद अफगानिस्तान के लोग भी स्वीकार करते हैं। इन परियोजनाओं को भारत के लोगों ने तालिबान और उससे भी ज़्यादा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की मिलीभगत से हुए हमलों और ऐसे तमाम खतरों के बाद भी पूरा करने की कोशिश की है। भारत ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि एक स्वतंत्र और पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त अफगानिस्तान हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि यह बात भी लगातार कही जा रही थी कि पाकिस्तान तालिबान पर अपने प्रभाव का
इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है, पर दो दशक पहले कंधार विमान अपहरण के बाद इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं रह गया था। इसके बाद कोई विकल्प ही नहीं बचा था कि भारत एक स्वतंत्र और तालिबान मुक्त अफगानिस्तान बनाने में सहयोग दे। अमेरिका ने 11 सितंबर की घटना के बाद जब अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो उसके बाद से भारत ने वहां लगातार और सक्रिय तौर पर काम किया है।